नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भारत के पास स्वर कोकिला लता मंगेशकर थी और पाकिस्तान के पास मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां। भारत में ही जन्मी, पली बड़ी और गायिका बनने वाली नूरजहां बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियतों में गिनी जाने वाली नूरजहां की गायकी और खूबसूरती दोनों के दीवाने दुनिया भर में थे। आज इन्हीं मल्लिकाए तरन्नुम की 22वीं पुण्यतिथि है। कहते हैं इनकी आवाज में बड़ी कशिश थी। 6 साल की उम्र में गाना शुरू किया। गाने में इनका शौक दिखा तो फिर माता पिता ने संगीत की तालीम दिलवा दी। नूरजहां भारतीय सिनेमा की शुरुआती स्टार रही। पंजाबी सिनेमा को स्थापित करने में इनका बड़ा हाथ है। फिर देश का बंटवारा हुआ और नूरजहां पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। नूरजहां की जिंदगी प्यार भरे गाने और गजलों से भरी रही। खुद भी वो कम आशिकाना नहीं थी। कहा जाता है कि उन्हें बदसूरत आदमियों को अपने सामने बैठाना नागवारा था। अच्छे दिखने वाले लोगों से ही घिरे रहना बेहद पसंद था। 2 शादियां की, 6 बच्चों की माँ थी। दोनों पतियों से तलाक के बाद अपने 6 बच्चों को इन्होंने अपने दम पर पाला। 2 अफेयर भी रहे। एक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर का करियर इनके कारण ही वक्त से पहले खत्म हो गया। उस जमाने में पाकिस्तानी तानाशाह से भी इनका नाम जुड़ता रहा। नूरजहां की पाकिस्तान में वो दीवानगी रही। उनके जनाजे में 4 लाख लोग शामिल हुए थे। नूरजहां का जन्म पंजाब में एक पंजाबी मुसलमान परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अल्लाह राखी वसई था। नूरजहां इमदाद अली और फतेह बीबी के 11 बच्चों में से एक थी। जब वो पैदा हुई तो उनके रोने की आवाज़ सुन बुआ ने उन्हें कहा था, इस बच्ची के रोने में भी एक धुन है। नूरजहां के माता पिता थिएटर से जुड़े रहे। यही वजह थी कि बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की तरफ था। उन्होंने 6 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। इतनी कम उम्र में भी वह पारंपरिक लोकगीत गा लेती थी। संगीत में उनकी रुचि देखकर माता पिता ने उन्हें उस्ताद गुलाम मोहम्मद के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया था। संगीत सीखने के बाद नूरजहां ने अपनी बहन के साथ लाहौर में गाना शुरू किया। वो अधिकतर लाइव परफॉर्मेंस और फिल्मों की स्क्रीनिंग के मौके पर गाती थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का कंपैरिजन नूरजहां से किया जाता रहा। कहा यह भी जाता था कि पार्टीशन के दौरान नूरजहां पाकिस्तान नहीं जाती तो लता का सिंगिंग करियर इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि नूरजहां ने 14 साल की लता को देखकर ये बात कही थी कि ये एक दिन बड़ी संगीतकार बनेंगी। लता भी नूरजहां की बहुत बड़ी फैन थी। उनको अपना आइडल मानती थी और खाली समय में नूरजहां भी लता मंगेशकर के गाने सुना करती थी। महाखबर की ओर से नूरजहां को भावभीनी श्रद्धांजलि।